Assalamu alaikum dear students, my name is Hina Shaukat and I am your class 9 chemistry teacher. And today we are going to learn periods in detail. So students, le let's a quick recap. We have started our chapter number 3 which is periodic table and periodicity of properties. And so far we are done with the introduction. Then we started our topic number 3.1 which was about periodic table. और हम पढ़ चुके हैं रोड और जर्नी टूवर्ड्स दी मॉडर्न पीआडिक टेबल फिर हमने देखा कि व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियडिक टेबल और उसकी लॉन्ग फॉर्म क्या है देन वी डिस्कस द सेलियंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक नंबर थ्री पॉइंट वन पॉइंट वन विच इज़ अबाउट पीरियड्स जी हाँ पीरियड्स रोज़ की फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करके बनते हैं यानी कि अगर हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल देखें सो एलिमेंट्स दे आर अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली, सो हॉरिजॉन्टल रोज दे आर कॉल्ड एज पीरियड्स एंड वी हैव टोटल सेवन पीरियड्स इन आर टेबल। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की इन पीरियड सो बिकॉज इन पीरियड्स एटम्स दे आर अरेन्ज्ड अकॉर्डिंग टू देयर अटोमिक नंबर इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर सो वेन एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देर इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर सो देर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज बींग चेंज थ्रू आउट द पीरियड और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन चेंज हो रही है सो इट मीनस दैट प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एलिमेंट आर ऑल्सो डिफरेंट मतलब प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो चेंजिंग मगर ऐसा नहीं कि सारी ही सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल What will happen? The properties of the elements, they are going to repeat. That's why we have seven periods. And according to the number of the elements after which the properties are going to be repeated, we different periods. In this lecture, we discussed seven periods ko one by one. So, we will first period. Ke if you look at this periodic table, you will see at the top, first period. And you can see that in first line you will see one element which is hydrogen, and then there is a lot of gap, and after that gap, you will see one element which is helium. He is the symbol for helium. This in matla, first period, ke andar, there are only two elements. First element is hydrogen, and the second element, which is the last element, it is helium. Now, it is very important thing, which is इफ़ यू से इट इज द फर्स्ट पीरियड तो इसका मतलब उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में देर इज गोइंग टू बी ओनली वन शेल यानी कि उसका सिर्फ एक ही ऑर्बिट होगा जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का अटोमिक नंबर एक है मीन्स अटोमिक नंबर इज वन तो मतलब उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है सो so वो एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर वाले शेल में प्रेजेंट होगा और अगर हम बात करें हीम की तो इट्स अटोमिक नंबर इज टू फर्स्ट so, शेल और हम ये भी जानते हैं कि फर्स्ट के मैक्सिम कैपेसिटी ऑफ केश इज जस्ट टू इलेक्ट्रॉन सो दो इलेक्ट्रॉन तो यही पे पूरे हुए अगर हम देखें अपने नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ इज लिथियम लिथियम का टॉमिक नंबर है थ्री सो इट्स अंडरस्टूड के दो इलेक्ट्रॉन्स तो आएंगे फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर सो वेयर द थर्ड इलेक्ट्रॉन विल गो थर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा सेकेंड शेल में जी हाँ सेकेंड शेल या ऑर्बिट में इसका मतलब कि लिथियम चूँकि सेकेंड पीरियड में है तो इसके कितने शेल होंगे दो शेल सो यानी कि अगर हमारे पास होगा पीरियड नंबर वन तो इसका मतलब उस एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही शेल प्रेजेंट होगा और अगर हम बात करें पीरियड नंबर टू की तो उसके अंदर दो शेल होंगे अगर पीरियड नंबर थ्री का कोई एलिमेंट है तो उसके अंदर तीन शैल हो सकते हैं एंड सो ऑन अब इसी चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए आप बाकी सारे पीरियड्स को भी डिस्कस कर लेंगे सो वी वर डिस्कसिंग द फर्स्ट पीरियड एंड वी नो दैट देयर आर ओनली टू एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड सो दो एलिमेंट तो बहुत छोटे हुए आउट ऑफ वन वन एट सो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड इज शॉर्ट पीरियड और शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ आर पीरियोडिक टेबल अब इसमें एक और पैटर्न देखना बहुत जरूरी है विच इज इट इज एंडिंग ऑन नोबल गैस यस हीलियम इज अन नोबल गैस नोबल गैस मतलब हुज मोस्ट शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड चूंकि फर्स्ट शेल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी है और हीलियम के मोस्ट शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन हैं बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज टू तो इसका मतलब हीलियम हुई हमारी नोबल गैस मतलब इट विल नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट टू मेक अ कंपाउंड अब चलते हैं अपने सेकेंड पीरियड की तरफ सो सेकेंड पीरियड इज कॉल्ड नॉर्मल पीरियड नॉर्मल पीरियड बिकॉज इट हैज एट एलिमेंट्स पूरे एट एलिमेंट्स इसमें हैं सो इट मीन्स दैट इट इज़ अ नॉर्मल पीरियड और अगर हम देखें इसके एलिमेंट्स के बारे में सो इट स्टार्ट विद लिथियम देन कम्स बेरीलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन एंड इट एंड एट नी ऑन अगेन नी ऑन इज अ नोबल गैस यस नी इज़ अ नोबल गैस नोबल गैस मतलब आउटर मोस्ट शेल विल बी कम्प्लीटली फिल्ड सिंस इट इज द सेकेंड पीरियड तो आउटर मोस्ट शेल में अगर वो कम्पलीट है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एट इलेक्ट्रॉन्स और अगर हम बात करें लीथियम की तो लीथियम इज ए मेटल अब चलते हैं अपने थर्ड पीरियड की तरफ विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल पीरियड बिकॉज इट हैज एट एलिमेंट्स इन टोटल और अगर देखें हम इनके नामों की तरफ सो वी हैव सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड आर्गॉन अगेन आर्गोन इज अ नोबल गैस अब जैसा कि आपने इन दोनों पीरियड्स को स्टडी किया है पीरियड नंबर टू और पीरियड नंबर थ्री को एंड वी हैव सीन दैट बोथ पीरियड्स दे आर स्टार्टिंग विद अ मेटल And more specifically, this is alkali metal. Jee haan, alkali metal. It is a special type of metal which is soft in nature and it is going to form alkali compounds. So, first element of each period is alkali metal, and the last element is a noble gas. Lekin, first period ke case me, Sanahinta. In first period, the starting element is hydrogen. but hydrogen is a gas. you and me, we both know. so we can say that hydrogen is showing a kind of peculiar behavior. It means it's a kind of little bit different from the other periods. so apart from hydrogen, all the periods, they are going to start with the alkali metal and they will end up at noble gas. yes, and you know what is noble gas, right? noble gas, matlab, whose outermost shell is completely filled. Ab agar baat bathkare, first, टू एलिमेंट्स की सोडियम और मैग्नीजियम इन पीरियड्स के थर्ड पीरियड के सो so ये हैं हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स जबकि जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको इस गैप के बाद नजर आ रहे हैं यस आफ्टर दिस गैप वो एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये जो ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था अब चलते हैं हम अपने फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की तरफ फोर्थ और फिफ्थ पीरियड ऑलमोस्ट एक ही तरह के हैं तो हम इन्हें कलेक्टिवली भी पढ़ सकते हैं सो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड दे आर कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड्स आई हैव जस्ट यूज द वर्ड लॉन्ग नॉट लॉन्गेस्ट दे आर लॉन्ग पीरियड्स बिकॉज दे कंटेन एटीन एलिमेंट्स ईच एटीन एलिमेंट्स ईच मतलब फोर्थ में भी होंगे टोटल एटीन एलिमेंट्स और फिफ्थ में भी होंगे एटीन एलिमेंट्स

दीज बोथ पीरियड्स आर कॉल्ड एज वेरी लॉन्ग पीरियड मगर इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस भी है द सेवेंथ पीरियड इज़ कॉल्ड एज इनकम्प्लीट पीरियड और जो सिक्स पीरियड है उसके लिए इनकम्प्लीट का वर्ड यूज़ नहीं करते हम बस ये कहते हैं कि दे आर वेरी लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग क्यों कहा अभी तक लॉन्गेस्ट पीरियड क्यों नहीं कहा बिकॉज़ वी आर नॉट श्योर कि अभी पीरियड नंबर सेवन में और कितने एलिमेंट्स आएंगे और उसमें और सिक्स पीरियड में कितना डिफरेंस रह जाएगा अब अगर देखें कि ये किस तरह लॉन्ग पीरियड्स हैं यू विल से दैट हमें तो सिक्स और सेवंथ नंबर पे सेम ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं जो कि फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे उतने ही सिक्स और सेवन्थ के देखने में लग रहे हैं मगर मे बी यू आर इग्नोरिंग द बिलो पार्ट ऑफ दिस पीरियडिक टेबल अगर आप देखें इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल की तरफ तो आपको इस पूरे टेबल के अलावा भी नीचे दो लाइनें मिलेंगी जी हाँ दो लाइनें स्पेशल बिल्कुल अलग से जो के पूरी पूरी रोज हैं एलिमेंट्स की बेसिकली ये दो लाइनें जो हैं दीज आर पार्ट ऑफ आर सिक्स एंड सेवेंथ पीरियड अब होता क्या है कि इन पीरियड नंबर सिक्स आफ्टर अटोमिक नंबर फिफ्टी सेवन कुछ एलिमेंट्स आते हैं जिनको अगर हम यहां लिखेंगे तो रो बहुत लंबी हो जाएगी हम अभी भी पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करने के लिए या शो करने के लिए या इवन उसका प्रिंट लेने के लिए या बुक में भी उसको छापने के लिए हमें उसका लैंडस्केप मोड यूज़ करना पड़ता है यानी कि वो इतना लॉन्ग है कि हम उसे एक स्ट्रेट पेपर पे नहीं लिख सकते तो सोचें कि अगर हमने ये वाले एलिमेंट्स भी पीरियोडिक टेबल में डाल दिए होते तो हमें कितने पेजेस यूज़ करने पड़ते एक पीरियोडिक टेबल को लिखने के लिए सो so, साइंटिस्ट ने इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए वहाँ पे एक छोटा सा स्टार मार्क लगाया और उसके पार्ट का जो एलिमेंट्स थे उनको नीचे एक अलग टेबल की फॉर्म में शो कर दिया वो यकीन एक बहुत छोटा सा टेबल है जस्ट टू रोज दैट्स इट और वो दो रोज बिलोंग करती हैं हमारे पीरियड नंबर सिक्स और पीरियड नंबर सेवन से जो फर्स्ट रो है इट बिलोंग्स टू पीरियड नंबर सिक्स एंड इट कम्स आफ्टर अटॉमिक नंबर फिफ्टी सेवन और जो नेक्स्ट रो है इट इज द पार्ट ऑफ पीरियड नंबर सेवन एंड इट कम्स आफ्टर द दंबर एट्टी नाइन अब चूंकि स्पेस प्रॉब्लम था इसलिए हमने इसको नीचे एडजस्ट कर दिया लेकिन अब पीरियड नंबर फिफ्टी सेवन पे एलिमेंट कौन सा है ये भी आपको याद रखना है जो एलिमेंट पीरियड नंबर सिक्स में नंबर फिफ्टी सेवन पे है इट्स नेम इज लेंथनम इसलिए जो नीचे आपने एक्स्ट्रा दो लाइंस बनाई हैं उसमें से एक लाइन को हम बोलेंगे लेंथनाइट्स एंड द अदर वन इज एक्टेनाइट व्हाई एक्टेनाइट बिकॉज इन पीरियड नंबर सेवन वी हैव वन एलिमेंट विच इज एक्टीनियम यस इट्स अटोमिक नंबर इज एटी इट इज एक्टीनियम सो उस एक्टीनियम के बाद जो एलिमेंट्स आने हैं वो हमने अलग से लिखे हैं और हम उन पूरे के पूरे एलिमेंट्स की रो को बोलेंगे एक्टनाइट्स सो लेंथ क्या होते हैं और एक्टेनाइट्स क्या होते हैं और इनका रिलेशन क्या है पीरियड नंबर सिक्स और सेवन से ये आपको अच्छे से याद करना है बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अब अगर देखें सारे पीरियड की कलेक्टिव प्रॉपर्टीज की तरफ सो वी नो दैट पीरियड नंबर इज गोइंग टू टेल यू अबाउट नंबर ऑफ शेल्स एंड all the periods except first period are starting with the alkali metal and they are ending at noble gas and you have observed that because the number of elements in a period is fixed so maximum number of electrons can be accommodated in the particular valence shell of the electron it is also felt now all these important properties of the periods they are given in a tabular form it's present in your book as well it's table 3.5 from where you can easily identify that period number one is the short period has two electron and number of atomic number range is 1 to two. Second period it's a normal period, eight elements or atomic number kahaega three say 10. Tak. third hai, it's again normal period, eight has my number of elements and we have range of atomic numbers from 11 to 18. Fourth period long period hai because it contains 18 elements Maga ye complete. Hai is key atomic number key range hai from 19 till 36. Then comes fifth period. it is also long period. number of elements are 18 and the range of atomic numbers is 37 to 54. Sixth period is very long period and there are 32 elements so far and atomic number ranges from 55 to 86. And here comes our last period, which is the seventh period. And it is called as very long period, and it is still incomplete. The star signs show that a lot more to come. Maybe in near future, scientists are going to discover, or they are going to make different elements by artificial ways. And so, right now, their range of atomic numbers is from 87 to 118. So, up let's go to important information ki taraf, which is about fireworks. आपने और मैंने हम सबने फायर वर्कस देखे भी होंगे और हम इन्हें बहुत इन्जॉय भी करते हैं पाकिस्तान डे पे या फिर किसी भी शादी या इस तरह की तकरीबात में समटाइम्स फायर वर्कस यूज़ किए जाते हैं आई नो कि ये कभी कभी बैन भी हो जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी डेंजरस मगर ये यूज़ किए जाते हैं और ये डिफ़रेंट एलिमेंट्स की ही प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से आपको उन फायर वर्कस में वो ब्यूटी नज़र आती है बेसिकली दिस वॉज द टेक्नोलॉजी विच वॉज इन्वेंटेड बाई चाइना एंड इट इज़ यूज ऑल ओवर दी वर्ल्ड इट इज़ डेंजरस बट केयरफुल यूज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड पर्टिकुलरली मेटल सॉल्टिफरेंट कॉम्पोजिशन इट विल गिव ब्यूटी एंड कलर फ्र फायरवर्क अब देखते हैं कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है मतलब फायरवर्क के अंदर कौन कौन से एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं सो मैगनीजियम एंड एलुमिनियम दे आर यूज एज पाउडर फॉर्म इन फायरवर्कस क्लोरेट्स एंड नाइट्रेट दे आर ऑल्सो यूज मगर अगर बात करें स्पेशल कलर्स की कि वो किन किन सॉल्ट से आते हैं तो उनपे एक नज़र डाल लेते हैं Sodium salt will give yellow colour to the firework. Calcium salt will give red colour to the firework. Strontium salts, they give scarlet colour to the firework. Barium it will give green color. And the copper salts they will add bluish green colour to the fireworks. Up juke book, in a box mein given information. still it's important for exam point of view. You must know the composition of fireworks as well. सो so स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं पीरियड्स जी हाँ सेवन पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड वी हैव डिस्कस्ड ईच पीरियड इंडिविजुअली एंड इट्स एलिमेंट्स एज बेल और साथ ही साथ हमने देखा व्हाट आर फायरवर्क्स और उनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है हम अपने आने वाले लेक्चर्स में ग्रुप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़